गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी ऑल नो दैट न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस। फॉर दिस वी ऑल हैव टू ईट अ हेल्दी डाइट एज स्टेटेड बाय सुरभि जी। फॉर ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमन पोर्शन साइज इन इंडियन सिनेरियो। एंड टूडे दिस इज माई टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द कॉमन इंडियन पोर्शन साइज अनकुक्ड फूड आइटम्स एंड डाइटरी प्रिपरेशंस। हेल्पफुल ईटिंग मीन्स चूजिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड्स, बेसल फूड्स रेगुलरली टू ईट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड्स फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। सर्विंग साइज आर अ वैल्यूएबल टूल। द टर्म सर्विंग साइज एंड पोर्शन साइज आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। वॉट इज पोर्शन साइज? पोर्शन इज द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू चूज टू ईट फॉर अ मील और स्नैक्स। पोर्शन एक्चुअल में किसी भी फूड आइटम का वह अमाउंट होता है जो कि हम चूज सर्व करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। वाइल द सर्विंग साइज इज अ स्पेसिफिक एंड मेजरेबल अमाउंट ऑफ फूड, रिकमेंडेड सर्विंग साइज इज अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट लिस्टेड ऑन अ प्रोडक्ट न्यूट्रिशन लेवल। इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्शन साइज। पोर्शन साइज को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हम एक हेल्दी डाइट को प्लान कर सके। पोर्शन साइज कि अगर हम पोर्शन साइज को बहुत अच्छे से जानते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए का टोटल डाइटरी असेसमेंट हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एंड टू कंट्रोल ओवर ईटिंग एंड एज वेल एज अंडर ईटिंग, ये हमें ओवर ईटिंग से भी बचाता है, साथ ही साथ अंडर ईटिंग से भी हमें बचाता है और हेल्प्स टू मॉडिफाई द डाइट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। पोर्शन साइज की हेल्प से हम हर इंडिविजुअल के लिए एक टेलर मेड डाइट को प्लान कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो उनका जो एक्टिविटी लेवल है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई लैक्टेशन में है या एडोलेसेंट एज है, तो उनके अगर हमें पोर्शन साइज का आइडिया बहुत अच्छे से है तो उनके लिए हम एक अच्छी डाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। As we can see in this slide, sets of standardized household utensils in measurements को use करके हम portion size को assess कर सकते हैं। Estimating portion sizes, measuring cups and spoons are great tool for making sure the portion is the same as the serving size. But होता क्या है कि हर टाइम हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम अपने हैंड का यूज करके पोर्शन साइज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि एक मुट्ठी, ये हमारा जितनी भी पल्सेस होती है, लेग्यूम्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। साइज ऑफ पाम यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग मीट फिश चिकन, वन हैंडफुल ये हमारा यूजफुल होता है नट्स को एस्टिमेट करने के लिए। एंड टू हैंडफुल्स यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग वेजिटेबल्स, हम यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग बटर है एंड हार्ड चीज है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। टिप ऑफ थम इज इक्वल टू 1 टीस्पून जो कि हमारा 5 ml का होता है और ये जितने भी ऑयल्स होते हैं उसको हम एस्टिमेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉमन हाउस होल्ड मेजरिंग टूल्स, प्लेट। एक आइडियल प्लेट साइज 9 to 10 inches शुड बी यूज्ड जो कि हमारे घरों में यूज होनी चाहिए। एंड ग्लास, ग्लास वॉल्यूम आप देख सकते हो 200 ml का है, बट किसी को अगर हमें 150 बताना है तो ये एक आइडिया लग सकता है कि 150 ml कितना होता है। बोल, ये स्टैंडर्डाइज्ड साइज का जो कटोरी या बोल हम यूज करते हैं ओपीडी में पेशेंट्स को बताने के लिए, वो हमारा 150 ml का होता है। एंड टी स्पून एंड टेबल स्पून, टी स्पून इज 5 ml एंड टेबल स्पून इज 15 ml। पल्सेस एक्सचेंज 25 ग्राम, जैसे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस का एक एक्सचेंज किया है कि 25 ग्राम की क्वांटिटी कितनी होती है। अगर कोई भी पर्सन 25 ग्राम का एक पोर्शन साइज ले रहा है तो उससे उसे 80 to 85 कैलोरीज एंड 5 to 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। जैसे कि ये पोर्शन साइज की एक लिस्ट है आप देख सकते हो। सैगो, 25 ग्राम सैगो जब उसको सोक किया
तो वो जस्ट 71 ग्राम का हो गया। एंड पीनट 25 ग्राम जब सोक किया गया तो वो आफ्टर सोकिंग 44.5 ग्राम का हो गया। 25 ग्राम चना भीगने के बाद ये जस्ट डबल 51 ग्राम का हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी ये सैगो है वो 3 गुना हो रहा है, या जो भी भीगी हुई दालें हैं जो कि 3 गुनी हो रही है। ऐसे ही जितने भी वो फूड आइटम्स जो भीगने के बाद और पकने के बाद 3 गुना हो रहे हैं, या जिनकी मात्रा बढ़ रही है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे ओपीडी में हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो जब हमें ये बताते हैं कि जैसे मैंने 100 ml दाल ली या 75 ग्राम पका साबुदाना खाया, तो उसकी असेसमेंट हम रॉ फूड्स के बेस पे करते हैं। क्योंकि हमारी जो डाइटरी कैलकुलेशन होती है वो रॉ फूड्स पे ही बेस्ड होती है। तो जितना अच्छे से हम इस चीज को समझेंगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन कर पाएंगे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है। पुटिंग बेंगल ग्राम, ब्लैक लेंटिल, होल ग्रीन ग्राम एंड पीनट इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ये 25 ग्राम की क्वांटिटी को जब हमने 24 आवर के लिए सोक किया तो उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आप देख सकते हो। आफ्टर स्प्राउटिंग क्या डिफरेंस आ रहा है वो देख सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 100 ग्राम जो कि कट करने के बाद क्वांटिटी इतनी हो गई, और जब हमने उसको कुक किया है तो उसकी क्वांटिटी 64.5 ग्राम बनी है। एंड ये अदर वेजिटेबल्स हैं जो कि 100 ग्राम्स का लिया है। 100 ग्राम्स कुक करने के बाद में 51.5 ग्राम का बच रहा है। पल्सेस वेट ऑफ रेड ग्राम दाल बिफोर कुकिंग 25 ग्राम, वेट ऑफ रेड ग्राम दाल आफ्टर कुकिंग वो 113 ग्राम का हो रहा है। वेट ऑफ राइस बिफोर कुकिंग 25 ग्राम, वेट ऑफ राइस आफ्टर कुकिंग 82.5 ग्राम बन के रेडी हो रहा है। ऐसे ये डिफरेंट साइज के रोटी के लिए डो लिए गए हैं। जैसे देख सकते हैं 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम। तो इन सब में क्या डिफरेंस आ रहा है इसके साइज में, ये असेस करना बहुत जरूरी है। और ये जो कि आफ्टर कुकिंग क्या इम्पैक्ट दिख रहा है वो भी आप देख सकते हो कि बनने के बाद कैसी दिख रही है साइज में। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग में हो या ओपीडी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनसे हमें ये जरूर पूछना है कि आपने जो रोटी ली है उसका डो कितने ग्राम का यूज किया था, बनने के बाद कितना बड़ा चपाती लिया था। ये हमारे डाइटरी कैलकुलेशन में उनके असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज बेटर फॉर न्यूट्रिशनल इंटेक असेसमेंट। हमें डिफरेंट टाइप के, जैसे कि पेशेंट्स हमें बताते हैं कि इन अ डे उन्होंने 4 बनाना ले लिया या 1 एप्पल ले लिया या ऑरेंज ले लिया है, तो हमें उसका साइज पे भी ध्यान देना है। क्योंकि हमारी जो असेसमेंट होती है वो साइज पे बेस्ड होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम कैलोरीज का कैलकुलेशन करते हैं। एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, जैसे विद छिलका और विदाउट छिलका, हमें कभी भी विद छिलका कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं करना है। जो भी हमारे फूड आइटम्स जो भी हम ले रहे हैं एडिबल पोर्शंस को ही कैलकुलेट करना होता है। ड्राई फ्रूट्स ये 10 10 ग्राम का एक्सचेंज लिया है, जिसपे बादाम 10 ग्राम, जिसको जब मेजर किया है तो 10 पीसेस बादाम हुए थे। मींस मतलब 1 बादाम 1 ग्राम का हुआ है। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने 7 बादाम सॉरी 10 पीसेस लिए हैं बादाम के तो 10 ग्राम हो गया, या कैश्यू नट जो कि 7 पीसेस लिए हैं तो वो भी हमारा 10 ग्राम हो रहा है, या 4 पीस हमने वॉलनट लिया है वो भी 10 ग्राम का हो रहा है, तो हम अपनी कैलोरीज को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर ड्राई फ्रूट्स पर पोर्शन जो कि आप देख सकते हो। एंड ऑयल एंड शुगर 5 ml एंड शुगर 5 ग्राम। वन एक्सचेंज 5 ml ऑयल से हमें 45 कैलोरीज एंड 5 ग्राम फैट मिल रहा है, जबकि शुगर 5 ग्राम उसके एक्सचेंज से 20 कैलोरीज एंड 5 ग्राम कार्ब्स मिल रहा है। सॉल्ट ये एक ये साइजेस पे अलग अलग साइजेस मेजरमेंट किया गया है सॉल्ट का, ताकि हम एक आइडिया लगा सके कि 2.5 ग्राम सॉल्ट का अमाउंट कितना होता है, 5 ग्राम कितना होता है। वैसे ये शुगर का किया है कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम कितना शुगर का अमाउंट हो रहा है। हेल्दी कुकिंग मेथड्स, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग एंड स्टिर फ्राइंग, ये एक बहुत ही हेल्दी कुकिंग मेथड्स होते हैं जिन्हें हमने अपने डेली कुकिंग कुकिंग मेथड्स में हमें यूज करना चाहिए। अनहेल्दी कुकिंग मेथड्स, यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स टू माइक्रोवेव फूड।
सबसे पहले तो हमें जो भी माइक्रोवेव कुकिंग करते हैं उन लोगों को अपने घरों में प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें अवॉइड करना है। लॉन्ग टाइम बिटवीन कटिंग एंड कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, डिस्कार्डिंग वाटर आफ्टर बॉइलिंग वेजिटेबल्स, डीप फ्राइंग एंड रीयूजिंग ऑयल, रीहीटिंग इन माइक्रोवेव। टिप्स ऑन हेल्दी कुकिंग मेथड्स, वॉश वेजिटेबल थ्रूली बिफोर कटिंग टू मिनिमाइज वाटर सॉल्युबल विटामिन लॉसेस। डू नॉट कीप कट वेजिटेबल्स एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अवॉइड एक्सेसिव हीटिंग ऑफ मिल्क टू रिटेन प्रोटीन क्वालिटी। अवॉइड रीहीटिंग ऑफ ऑयल एंड फैट्स एज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स एंड सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। स्टीमिंग वेजिटेबल इज अ हेल्दियर कुकिंग ऑप्शन देन बॉइलिंग। रिकमेंडेशन एंड सजेशन, टेक सेम साइज ऑफ यूटेंसिल्स फॉर मेजरिंग रॉ फूड्स। एंड जब भी हम सॉल्ट का मेजरमेंट करते हैं तो टीस्पून पे हमेशा उसके लेवल को हमें बराबर करना होता है, उसके बाद ही वो एक एक्यूरेट अमाउंट को हम बता सकते हैं। टू कंट्रोल पोर्शन साइज, टेक सुटेबल यूटेंसिल्स और टेक स्मॉल साइज ऑफ प्लेट। थैंक यू।